हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अधीनस्थ कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी छठा वेतन न मिलने के विरोध में लामबंद हो गए हैं। राज्य यूनियन के आह्वान पर कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर कोर्ट में काम कर रहे हैं। न्यायिक कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार सभी विभागों को छठे वेतनमान दे रही है, लेकिन केवल अधीनस्थ कोर्ट के कर्मचारियों को ही छठा वेतन आयोग नहीं दिया जा रहा। न्यायिक कर्मचारियों ने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। अधीनस्थ कोर्ट न्यायिक कर्मचारी यूनियन के मुख्य सलाहकार जेपी दरेवला ने बताया कि न्यायिक कर्मचारी पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जब सभी विभागों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन दे रही है तो केवल न्यायिक कर्मचारियों को छठा वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा। यूनियन का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो आगामी समय में कर्मचारी आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। इसके अलावा राज्य कार्यकारिणी के साथ सलाह मशवरा कर सचिवालय घेराव की रणनीति तैयार की जा सकती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सभी विभागों की तर्ज पर न्यायिक कर्मचारियों को भी छठा वेतनमान दिया जाए। जो हमारा ये रिजेंटमेंट है सरकार के प्रति, वो हमारे नए पे स्केल को लागू ना करने के बारे में है। तो मेरी मीडिया बंधुओं से आपसे उम्मीद है और आशा करता हूँ कि हम हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायिक कर्मचारियों के समस्याओं को प्रदेश के कोने कोने से लेकर सरकार के पटल पर रखेंगे और जो हमें अभी तक नया वेतनमान लागू नहीं किया गया है वो सरकार जल्द से जल्द लागू करें, क्योंकि ऐसा सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां नया वेतनमान लागू नहीं किया गया है। इवन जो सरकार के कॉरपोरेशंस हैं, फेडरेशंस हैं, जितने भी मिनी जो डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के, वहां भी सबको और वहां के सब कर्मचारियों को नया वेतनमान लागू हो चुका है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो न्यायिक कर्मचारी हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पिलर हैं, और यहाँ क्यों इस वर्ग के कर्मचारियों के साथ बार बार जब हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो इस अभी तो हमारा बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से है, इसके बाद हमारा उग्र प्रदर्शन होगा, हमारा इंडेफिनेट स्ट्राइक भी हो सकती है। क्या सचिवालय का घेराव करने की भी है? सचिवालय के जो हमारे स्टेट बॉडी के आदेश हो गए उसके बाद वैसी स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे। ये धरना कब तक चलेगा? ये तो नॉन स्टॉप ही है, वैसे इसमें सामूहिक अवकाश लेने की भी, एक मास कैजुअल लीव लेने का भी योजना बनाया है। तो सर अभी ड्यूटी टाइम क्या रहता है आपका, धरना प्रदर्शन का टाइमिंग? हमारा ओड आवर में रहता है, हमारा जो कोर्ट टाइमिंग है वो 10:45 है, तो इसलिए हम अपने काम को कभी रिशफल नहीं कर रहे हैं। हम जो हमारा जो धरना प्रदर्शन रहता हो वो 9:30 to 9:40 तक रहता है, और शाम को हमारा 5 o'clock के बाद रहता है, 5 o'clock के बाद रहता है, ऑड आवर में रहता है, और लंच आवर में भी रहता है। लंच आवर हमारा 1:30 to 2 o'clock तक का है, तो हम 1:30 to 1:40 तक ये प्रदर्शन करते हैं। तो इसलिए बार बार हमारा विनम्र आग्रह है कि सब छोटे इम्प्लॉई है, बड़े इम्प्लॉयज हैं, तो सब की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द नया वेतनमान। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।